इस न्यूज के प्रायोजक है। अनुष्का अकेडमी प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक चयन देने वाला उदयपुर संभाग का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान सुभाष नगर सेवाश्रम उदयपुर। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 फरवरी को हुए विकास और बंटी अंजना हत्याकांड को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए फायरिंग करने वाले चारों आरोपियों को नामजद कर लिया है और उनको शरण देने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल घटना के कारणों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। वहीं फरार अभियुक्तों पर पुलिस ने इनाम भी घोषित कर दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि इस हत्याकांड को अंजाम देने में अजय पाल जाट, सुरेश जाट, कृष्ण पाल उर्फ कान्हा सिसोदिया और रमेश उर्फ कान्हा भील ने मिलकर अंजाम दिया था। वही हत्याकांड के बाद इनको सहयोग करने के मामले में राहुल सूर्यवंशी मुख्य आरोपी अजय पाल के पिता प्रभुलाल को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस हत्या में निम्बाहेड़ा के अंबानगर निवासी कमल सिंह ने मोटरसाइकिल उपलब्ध करवाई थी। कमल सिंह के कब्जे से कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं जिनकी भी जांच की जा रही है। पुलिस ने चारों फरार मुख्य आरोपियों को नामजद करने के बाद गिरफ्तारी के लिए मध्य प्रदेश में मंदसौर पुलिस अधीक्षक के सहयोग से कैंप कर रखा है। वहीं आरोपियों पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों की तलाश के लिए भी विशेष टीमें गठित की गई है। सर, विकास और बंटी आंदना की हत्या के मामले अब तक क्या अपडेट है? 2 फरवरी को शाम को निम्बाहेड़ा में जो विकास और बंटी आंजना की हत्या हुई थी, उस प्रकरण में पुलिस ने अग्रिम अनुसंधान करते हुए 4 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। जो 4 अभियुक्त वारदात में शरीक थे और CCTV फुटेज में भी नजर आए थे, उस समय अज्ञात थे, उनको आज नामजद किया है चारों को, जिसमें एक अजय पाल, दूसरा सुरेश जाट है, तीसरा कृष्ण पाल और कान्हा सिसोदिया, ये तीनों मंदसौर जिले के रहने वाले हैं, और चौथा कान्हा भील निम्बाहेड़ा का रहने वाला है। साथ ही इसमें अनुसंधान करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक कमल सिंह है जो घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराने में जिसकी भूमिका रही और साथ ही इस आपराधिक षड्यंत्र में भी शामिल था, उसे गिरफ्तार किया गया है। एक राहुल सूर्यवंशी, जिसने इन चारों अपराधियों को घटना के बाद मंदसौर जिले में अपने होटल पर शरण दी थी और वहीं पर इनको पूरी रात रुकाया था। उसके पास कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं जो घटना में प्रयुक्त कारतूसों से मेल खाते हैं। साथ ही तीसरा प्रभुलाल जाट को भी गिरफ्तार किया गया है। ये भी 2 अभियुक्तों को शरण देने में शरीक रहा है और उनको सूचनाएं देकर के लगातार फरारी में सहयोग करता रहा है। इन तीनों अभियुक्तों को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। जो चारों वांछित अभियुक्त हैं, इसके लिए हमारी 3 टीमें लगातार मंदसौर जिले में कैंप कर रही हैं। पुलिस अधीक्षक मंदसौर के साथ हम लगातार संपर्क में हैं और मंदसौर पुलिस के सहयोग से लगातार रेड्स की जा रही हैं। शीघ्र इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। आज इन चारों ही अभियुक्तों पर 5,000 रुपये प्रत्येक अभियुक्त की गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित किया गया है। साथ ही एक विशेष दल का भी गठन किया गया है जो तुरंत प्रभावी कार्रवाई करते हुए इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी करेगी। सर, प्रारंभिक रूप से कारण क्या सामने आया? प्रथम दृष्टया अभी तक तो रंजिश प्रतीत होती है मृतक की, जिसकी वजह से ये कार्य हुआ है। मुख्य जो इसका ऑब्जेक्टिव है, क्लियर जब ये अभियुक्त पकड़ में आ जाएंगे उसके साथ ही होगा।